तो अभी अंदर चलते हैं, यहाँ पे कुछ टीवी लगी है, उसके जरिए लोग मतलब एक वीडियो है वो लोग दिखाते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो। यहाँ पे ना देखिए पूरा सब कुछ पूरा सिस्टम लगा है और ऊपर स्पीकर है, ये देख लीजिए, और ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के थ्रू ये लोग मतलब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए अभी उल्टा रहा है, मैं बैक कैमरा स्टार्ट करता हूँ। तो ये लोग ना ये देखिए पूरी द रिगेंस ऑफ मसमक फोर्ट, रिगेन ऑफ मसमक फोर्ट। यहाँ पे ना ये स्पीकर लगा है, स्पीकर से पूरा मतलब बता रहे हैं लोग कि मतलब कब कब हुआ था। तो ये कुछ वीडियो है, विजुअल कुछ है पहले का जो शूट हुआ है, या मतलब ओरिजिनल है, मेरे को तो मेरे को ऐसा लग रहा पूरा ओरिजिनल ही है, तो मेरे को पूरा ओरिजिनल ही लग रहा है। ये देखिए कुछ ये लोग खाना ना बना रहे हैं, यहाँ बैठ के लोग ना खाना बना रहे हैं, ये अलमस में फोटो कोई देखो कैसे धीरे धीरे जा रहे हैं लोग, लगता है कुछ हमला हमला हुआ है, हमला हुआ है इसकी वजह से लोग जा रहे हैं फोर्ट पे, लगता है हमला हुआ है इसके लिए लोग ना चोरी चोरी से धीरे धीरे जा रहे हैं। ये देखिए ये कोई खिड़की है, खिड़की से भाला लेके खड़ा, और भाला ऑलरेडी मैं आप लोग को मैं दिखा चुका हूँ, वो भाला भी यहाँ पे शो कराए हैं लोग। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या है, ठीक है। अभी दूसरा सेक्शन में आ गया हूँ मैं, हाँ अभी यहाँ पे ना देखिए यहाँ पे जितने भी उस टाइम जो क्या बोलते हैं जो सैनिक जो थे, वजीर और जो भी लोग थे, सब लोग का पूरा नाम है, जिन लोगों का ज़्यादा योगदान था, सब लोग का नाम और उनकी हिस्ट्री है। और ये पानी पीने का ये रखा हुआ है, देख लीजिए इसमें ये लोग पानी पीते थे, और यहाँ पे कुछ अरबी में लिखा हुआ है, और इधर भी है ऊँट पे बैठ के ना, ऊँट पे बैठ के ये लोग जब चलते थे तो उसके ऊपर ये लोग अपना ये रख के बैठते थे, ये ऊँट के ऊपर, यानी समझ लो सवारी हो गई है, जो सिस्टम उनका होता था वही है। देखिए ये समझ लीजिए नीचे ऊँट है और ये ऊपर अपना बैठ के आराम से एक आदमी जा सकता है। और ये देखिए ये सामने जितने भी है ना सैनिक थे और जो लोग भी थे, तो उनकी एक मतलब प्रिंट बना के और नाम लिखा हुआ है कौन कौन लोग थे जो मतलब ज़्यादा योगदान इनका था, तो उनके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन चार बोर्ड है उस पर पूरा लिखा हुआ है। और अभी मैं चल रहा हूँ आगे, आगे आप लोग को मैं चल के और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इन लोगों का जो पोशाक होता था ना लिबास, वो कैसा होता था वो मैं दिखाऊँगा। तो देखिए कुछ ऐसे हुआ करते थे उस टाइम, देखिए ये उनका लिबास था, बंदूक भी है साथ में, टोपी है, चाकू है, और ये बेल्ट है कुछ, और ऊपर कुछ टोपी भी है, बंदूक काफ़ी पुरानी है अभी तक पड़ी हुई है, और यहाँ पे भी रखे हुए हैं। और ये क्या है ये पता नहीं, कुछ कोई तरीका था कुछ मारने होने वाला कुछ था मेरे ख्याल से। और एक ये इधर सामने देख रहे हैं, और इसके ऊपर ना बकरे का या किसी चीज़ का चमड़ा लगा हुआ है, देखिए। और ये भी सब, ये दो है, ये दो मुझे नहीं पता क्या है, गन पाउडर बोलते हैं उसको, लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक और है, देखिए एक और लिबास है, ये लिबास भी पहनते थे ये लोग, ये लिबास पहन के अपना मतलब जंग पे जाते थे लोग। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्रिटिश मेड मजल मसमक, यानी ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था, ये देख लीजिए। और थोड़ा मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए। और यहाँ पे भी ना वो कुछ नेम वगैरह लगा हुआ है, जो लोग शहीद हुए थे उस टाइम, तो उन लोगों का नेम वगैरह है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सब। तो चलो मैं चलता हूँ आगे, आप लोग को आगे मैं दिखाता हूँ आगे क्या है। और ये वाला सेक्शन में ना पूरा मतलब रियाद का, जब मतलब ज़्यादा हो गया था रियाद, मतलब उस टाइम ये लोग जीत लिए थे, पूरा रियाद का पूरा नक्शा बनाया है इधर, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा रियाद का पूरा नक्शा बना हुआ है, ये पूरा टोटल। अभी इसमें ना काफ़ी सारे गेट थे, जैसे गेट कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 गेट थे यहाँ पे, तो मतलब रियाद में जो मेन सिटी थी बता। और यहाँ पे मसमक फोर्ट भी होगा, ये देखिए सामने ये वाला देखिए मसमक फोर्ट है ये। तो चलो आगे चलता हूँ मैं, बी केयरफुल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इधर भी ये लोग टीवी लगा दिए, एक कमरा है ऊपर से जाके ये लोग ना मेरे ख्याल से लगता है
गन उन लेके जाके ऊपर मारते होते थे कुछ, मतलब निगरानी रखते थे शायद। और ये टीवी लगी है यहाँ पे, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ये देखिए एक बना के रखा है मसमक फोर्ट के अंदर का पूरा एक, मतलब स्ट्रक्चर बनाया है एक छोटा सा, देख लीजिए। तो अभी चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे, और क्या मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मेरे को जो पता है, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। तो यहाँ टीवी लगी हुई है LCD 1, 2, 3, 4। ये LCD में कुछ पिक्चर्स वगैरह है, मतलब दिखा रहे हैं कि हाँ कैसा था, तो लुक्स दिखा रहा है इसके अंदर। एक और इधर प्रिंटिंग लगी हुई है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग दिख रही है इसमें, यानी सब मर्ज कर दिए हैं ये प्रिंटिंग में ना, सब मर्ज कर दिए हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये वाला एक हिस्सा हो गया, और ये वाला एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, और एक ये नीचे वाला एक हिस्सा हो गया। और ये देख लीजिए ऐसे पहले यहाँ पे रहना, मतलब रहते थे ये लोग, कुछ इस तरीके से लोग सर्वाइव करते थे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा मार्केट है मेरे को लगता है, ये पूरी यहाँ से ना, यहाँ से ये पूरी मार्केट है, ऐसे पूरी मार्केट दिख रही है। और ये भी मार्केट की पूरी दिख रही है। और ये देखिए गाड़ी वगैरह थी, और ये गाड़ी वगैरह देखिए पहले की, देख रहे हैं, ये देखिए ये गाड़ी थी एक, ये मतलब ट्रक टाइप का था, या बस कहो या ट्रक कहो उस टाइम का। और ये कार थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, थोड़ा हिस्ट्री मालूम हो जाती है और थोड़ा मस्त लगता है। तो अभी एक ये है ना, यहाँ पे पहले तोप रखी हुई थी, एक आंगन टाइप का है, यहाँ पे एक पहले टोप रखी हुई थी जस्ट इधर। इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैं सब कुछ बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लोर किया हूँ। तो अलमसमक फोर्ट नाम के हैं, तो अलमसमक फोर्ट नाम से वो वीडियो है, तो जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ना पहले तोप रखी हुई थी, वो ये लोग हटा दिए। और देख सकते हैं ये एक आंगन है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये मेरे ख्याल से खाना बनाने वाला डेग है। और ये उस पर शायद लेके आके रखते उठते थे, निकालते थे, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। और ये डेग भी काफ़ी बड़ा डेग है, बहुत बड़ा ये डेग है। और ये जो बनावट है ना, बिल्कुल मिट्टी का घर बना हुआ है, टोटल मिट्टी का है, इसमें कुछ बनावटी नहीं है। और अभी यहाँ पे ना सब लोग अभी नया मतलब बना दिए हैं, जैसे कि ये पुराना डोर है, इसमें लोग मतलब स्लाइडिंग वाला डोर बन गया है, देख सकते हैं आप लोग, तो मतलब खुल जाता है ऑटोमेटिक। तो अभी मैं चल रहा हूँ अंदर भी आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे रियाद का, उस टाइम का, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये पूरा ना बनाए, तो मैं अभी बैक कैमरा स्टार्ट करता हूँ। तो ये है पूरा ना, ये यहाँ पे नंबर वंबर लगा के रखे हैं, 22 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, ऐसे बहुत सारा नंबर होते हैं। छोटा सा खजूर का पेड़ हो, कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है।